इंडियन करेंसी वर्सेस पाकिस्तानी करेंसी। दोस्तों, जब भी हम किसी नए देश में जाते हैं या फिर उस देश के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए एक नई और इंटरेस्टिंग थिंग होती है करेंसी। दुनिया में हर देश की लगभग अपनी एक अलग करेंसी होती है, और अगर सीधे शब्दों में कहें तो करेंसी का मतलब होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि लेन देन का माध्यम। और करेंसी से ट्रेड से लेकर गुड्स एंड सर्विसेज जैसे सारे ही काम पॉसिबल हो पाते हैं। तो गाइस, क्या आपको पता है आज 2023 में इंडिया का एक रुपए पाकिस्तान के कितने रुपए के इक्वल है, या फिर पाकिस्तान में एक आईफोन की कॉस्ट क्या होगी इस प्रेजेंट टाइम में? अगर नहीं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, आई थिंक आपका टाइम वेस्ट तो नहीं होगा। फिलहाल शुरू करते हैं आज का यह वीडियो बिना किसी देरी के। 200 रुपया, जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों कंट्रीज की ऑफिशियल करेंसी है, यह शब्द संस्कृत लैंग्वेज रुपया या फिर रूप से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सिल्वर यानी कि चांदी। इंडिया में सबसे पहले रुपए शब्द का प्रयोग शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में किया था। ओके, अगर हम हिस्ट्री पढ़ने जाएं और प्रेजेंट की बात करें तो इंडिया की ऑफिशियल करेंसी 15 अगस्त 1950 में इंट्रोड्यूस की गई थी, और इंडियन करेंसी को इंडियन रुपये कहा जाता है। वहीं आज़ादी के 2 साल बाद तक भी पाकिस्तान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए नोट से चलते थे, बट 1949 के बाद RBI ने करेंसी का कंट्रोल पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिया। फिलहाल पाकिस्तान की ऑफिशियल करेंसी को पाकिस्तानी रुपये कहा जाता है। इंडिया का करेंसी कोड है INR यानी इंडियन रुपी। साथ इंडिया की करेंसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू कराता है। रिजर्व बैंक का काम करेंसी इशू कराना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को बनाए रखना, करेंसी को ऑपरेट कराना एंड कंट्री में करेंसी सिस्टम को मेंटेन रखना है। वही पाकिस्तान की करेंसी का कोड है PKR यानी पाकिस्तानी रुपी, एंड पाकिस्तानी रुपी पर पूरी तरह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कंट्रोल है, एंड इस बैंक का वर्किंग प्रोसेस भी RBI के जैसा हो सकता है, नॉट श्योर। दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही कंट्रीज की कॉइन करेंसी की। तो पाकिस्तान में सबसे छोटा कॉइन 1 रुपए का है, जो 1986 से शुरू हुआ और कुछ इस तरह का दिखता है। इंडिया में 2011 तक सबसे छोटा कॉइन 25 पैसे का हुआ करता था, बट RBI ने 2011 में 25 और 50 पैसे के सिक्कों को बंद कर दिया। नाउ इंडिया में अब सबसे छोटा कॉइन 1 रुपए का है। वैसे तो आपको इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के 1 रुपए के सिक्के देखने को मिलेंगे, बट लेटेस्ट कॉइन 2018 में मिंट किया गया, जो कुछ इस तरह का दिखता है। इसके बाद पाकिस्तान में 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए का सिक्का भी इस्तेमाल किया जाता है, बट इनमें से भी 10 रुपए का सिक्का सबसे कम ही यूज किया जाता है। साथ ही साथ इंडिया में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के कॉइन्स फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं, और जल्दी आपको इंडिया में 100 रुपए की कॉइन भी देखने को मिलेगी। तो गाइस, ये थी कॉइन्स की बात। अब बिल यानी नोट्स की बात करते हैं। तो इंडिया में सबसे छोटी नोट 1 रुपए की है, जो कि कुछ इस तरह की दिखती है। साथ ही साथ इंडिया के पास 2 रुपए और 5 रुपए के नोट भी अवेलेबल हैं, लेकिन पाकिस्तान में न तो 1 रुपए की नोट है, न ही 2 और न ही 5 रुपए की कोई नोट है। पाकिस्तान में सबसे छोटा नोट 10 रुपए का है, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। नाउ 10 रुपए का नोट तो हमारे इंडिया के पास भी है, जिसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 10 के बाद नंबर आता है 20 रुपए के नोट का, जो कि दोनों ही कंट्रीज के पास मौजूद है। गाइस, यह है इंडिया का 20 रुपए, जबकि यह है पाकिस्तान का 20 रुपए, जिनको कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 20 के बाद नंबर आता है 50 रुपए के नोट का। दोनों ही कंट्रीज 50 रुपए के नोट को फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। इंडिया की 50 रुपए की नोट का डिजाइन कुछ ऐसा है, जबकि पाकिस्तानी 50 रुपए का नोट का डिजाइन कुछ ऐसा है। गाइस, पाकिस्तान में इसके बाद 75 रुपए का नोट भी यूज किया जाता है, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है, बट इंडिया के पास 75 रुपए का कोई भी नोट मौजूद नहीं है। इसके बाद बारी आती है 100 रुपए के नोट की। तो यह है इंडिया के 100 रुपए का नोट, जबकि यह है पाकिस्तान के 100 रुपए का नोट, जिसका डिजाइन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 100 के बाद इंडिया में 200 का नोट भी मौजूद है, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है, बट पाकिस्तान के पास 200 का कोई भी नोट नहीं है। इसके बाद इंडिया का 500 रुपए का नोट कुछ ऐसा दिखता है, जबकि पाकिस्तानी 500 रुपए कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। फाइनली गाइस, इंडिया में लास्ट और सबसे बड़ी नोट 2000 रुपए की है, जो कि कुछ ऐसी दिखाई देती है। यह नोट बाकी नोट से साइज के मामले में थोड़ी सी बड़ी है, जो कि पिंक कलर की दिखती है। पाकिस्तान में वैसे तो 2000 की कोई भी नोट मौजूद नहीं है, बट आपको यहाँ पर 1000 रुपए की नोट और सबसे बड़ी 5000 रुपए की नोट यूज होती दिखाई देगी, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाइस, पाकिस्तान की 5000 रुपए की नोट साइज के मामले में दूसरे नोट से थोड़ी सी बड़ी है। इंडिया में सबसे कम इस्तेमाल किए जाने वाले नोट्स में शामिल है 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट और 2000 का नोट, जबकि पाकिस्तान में 75 रुपए और 5000 का नोट सबसे कम इस्तेमाल किया जाता है।
वैल्यू की बात करें तो 1 इंडियन रुपए 3.48 पाकिस्तानी रुपए के इक्वल होता है, यानी कि इंडिया की करेंसी पाकिस्तानी करेंसी से ज्यादा पावरफुल है। मतलब कि इंडिया के 100 रुपए 346.45 पाकिस्तानी रुपए के इक्वल होते हैं और इंडिया के 1000 रुपए 3464.55 पाकिस्तानी रुपए के इक्वल होते हैं। गाइस अगर देखा जाए तो एप्पल आईफोन 13 प्रो इंडिया में आपको लगभग 140,000 रुपए का मिल सकता है, जबकि पाकिस्तान में यही कॉस्ट 373,999 पाकिस्तानी रुपए के इक्वल हो सकती है।